आज दर्शकों को ताजुब होगा कि हिंदुस्तान की जो 9,500 स्क्रीन्स हैं उनको कुल मिला के 15 मालिक हैं उसके। आप YouTube पर ढूंढ लीजिएगा, गोविंदा का इंटरव्यू है। 2005 में पहलाज नेहलानी ऐसे निर्देशक ने पिक्चर बनाई, गोविंदा उस फिल्म में हीरो था, और वो फिल्म मनीष जी आज तक रिलीज नहीं हो पाई। कश्मीर फाइल, उसको स्क्रीन नहीं दिए गए थे, 100 स्क्रीन दिए गए थे, लेकिन जब वो 100 स्क्रीन हाउसफुल होने लगे तब इनकी मजबूरी होने लगी। और कुछ जगह अगर आपको ध्यान हो तो लोगों ने इन सिनेमा हॉलों पे पत्थरबाजी की थी कि क्यों नहीं लगा रहे हो। और मनीष जी का भी कार्यक्रम आपका देखा जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भारत सरकार और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन मल्टीप्लेक्स मालिकों की जांच करिए। ये जिहादी जिहादी एजेंडे में ये बहुत बड़े हथियार हैं। ये जिहादी तत्व की फिल्में दिखाते हैं, कश्मीर फाइल ऐसी फिल्मों को रोकते हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान की सारी स्क्रीन पर इन्हीं 10-15 घरानों का कब्जा हो चुका है। सर एक बात आप नवीन जो अब तक छूट रहा है, मुझे लगता है आपने कहा कि ये मल्टीप्लेक्स की साजिश है, ये पूरा खेल आप मल्टीप्लेक्स का बता रहे हैं। एक नई बात है कि मल्टीप्लेक्स कैसे मर रहा है, इन बॉलीवुड जिहादियों के पी के 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 लिए अपने आप को समर्पित कैसे किए हुए है, मल्टीप्लेक्स का इसमें क्या योगदान है, ये व्यूअर्स को थोड़ा समझाइए। हाँ मनीष जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीप्लेक्स, इसमें इनका नाम नहीं आता, ये सफेद पोश बने रहते हैं। दर्शक ये जान ले मनीष जी कि एक समय था, मनीष जी आपको ध्यान होगा, आपको पटना में मेरे लखनऊ में सिनेमा हॉल होते थे, मेरे यहाँ 30-32 सिनेमा हॉल थे, उनके 30-32 मालिक हुआ करते थे, और उनकी आपस में राइवलरी चला करती थी। बिल्कुल, तो किसी की कोई मोनोपोली नहीं थी। आज डॉन आपको होते थे वो, शहर के बड़े बड़े डॉन होते थे वो एक तरह से। हाँ, मनीष जी आज दर्शकों को ताजुब होगा कि हिंदुस्तान की जो 9,500 स्क्रीन्स हैं उनको कुल मिला के 15 मालिक हैं उसके, कुल 15 मालिक हैं कुल। और वो 15 मालिक ये तय करते हैं कि आप कौन सी फिल्म देखेंगे और कौन सी फिल्म नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। कौन सी फिल्म पिक्चर सिनेमा हॉल में लगेगी, कौन सी फिल्म नहीं लगेगी। और इसका एक उदाहरण दे दूं, आप यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, गोविंदा का इंटरव्यू है कि 2005 में पहलाज नेहलानी ऐसे निर्देशक ने पिक्चर बनाई, गोविंदा उस फिल्म में हीरो था, और वो फिल्म मनीष जी आज तक रिलीज नहीं हो पाई। आज तक उस फिल्म को स्क्रीन नहीं मिले। आपने अब गोविंदा वाली बात तो थोड़ी पुरानी हो गई, कश्मीर फाइल, उसको स्क्रीन नहीं दिए गए थे, 100 स्क्रीन दिए गए थे, लेकिन जब वो 100 स्क्रीन हाउसफुल होने लगे तब इनकी मजबूरी होने लगी। और कुछ जगह अगर आपको ध्यान हो तो लोगों ने इन सिनेमा हॉलों पे पत्थरबाजी की थी कि क्यों नहीं लगा रहे हो, तुमको लगानी पड़ेगी। सर आपने तो इनको लगानी पड़ी कश्मीर फाइल, अन्यथा इन्होंने नहीं दी थी। अभी वो पिक्चर चल रही, अभी पिक्चर चल रही है कार्तिके, उसको केवल प्रमाण है। जब मैं कश्मीर फाइल्स के लिए अपने होम टाउन मुजफ्फरपुर में जब बच्चों को स्कूल कॉलेज के लड़कों को दिखवाना चाहता था, पता चला कि मेरे शहर में किसी सिनेमा हॉल में फिल्म लगी ही नहीं थी कश्मीर फाइल, लगी नहीं है। जबकि ये फिल्म जो है लोग हिट कराने के लिए, और ये प्रेशर जब सोशल मीडिया का हुआ तब जाकर के फिल्में शहरों में लगी, छोटे शहरों में लगी। और मनीष जी का भी कार्यक्रम आपका देखा जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भारत सरकार और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन मल्टीप्लेक्स मालिकों की जांच करिए। ये जिहादी जिहादी एजेंडे में ये बहुत बड़े हथियार हैं। ये जिहादी तत्व की फिल्में दिखाते हैं, कश्मीर फाइल ऐसी फिल्मों को रोकते हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान की सारी स्क्रीन पर इन्हीं 10-15 घरानों का कब्जा हो चुका है। ये जिसको चाहते हैं वो फिल्म आप देख सकते हैं, बाकी आप नहीं देख सकते, चाहे जितनी बेहतरीन फिल्म बनी हो। तो सबसे बड़े तो खलनायक ये है, और इस बायकॉट से मनीष जी इन मल्टीप्लेक्स की कमर टूट गई है। दर्शकों से कह रहा हूँ कि जरा बहुत ध्यान से सुनिए कि बॉलीवुड के तो बाल आपने उतार दिए, लेकिन इन 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 मल्टीप्लेक्स के मालिकों की कमर तोड़िए। ये जिहादी एजेंडा चलाते हैं, कश्मीर पर ऐसी फिल्म को नहीं दिखाते, और सिकारा और दुनिया भर की फिल्में जो कश्मीरी के प्रोपोगंडा को लागू करती है उनको ये खूब दिखाते हैं, उनको स्क्रीन देते हैं। और सबसे खास बात, ये आपको दिन दहाड़े लूटते हैं मनीष जी। जो 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक बाजार में खुलेआम दिखता है उसको ये 150 रुपए का बेचते हैं, 20 रुपए की कॉफी ये 150 रुपए की बेचते हैं, 5 रुपए की लैया
हमारे गांव में 5 रुपए में मिलेगी उतनी लैया, जो जिसको मकई जिसे कहते हैं, उसको ये पॉपकॉर्न करके 150 रुपए में आपको 200 रुपए में बेचते हैं। तो ये लूट करते हैं, और इनकी भी कमर तोड़ दी है आपके बायकॉट ने, क्योंकि बिल्कुल ना तो इनके ना तो इनको किराया मिल रहा है सिनेप्लेक्स का, और ना इनकी लैया 5 रुपए वाली 150 रुपए में बिक रही है। जमकर इनका विरोध करिए। और बॉलीवुड के साथ ये मल्टीप्लेक्स के मालिक बहुत बड़े खलनायक हैं, और इस बहिष्कार में क्योंकि इनकी कमर टूट चुकी है, इसलिए ये करण जौहर ऐसे को प्रोपेगंडा के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसमें बख्शिए मत, किस तरह से ये आपकी जेब काटते हैं। एक जेब कतरा तो आपके जेब में जो होता है वो ले जाता है, ये तो 10 गुना आपसे ले जाते हैं। और वहां पे आपकी मजबूरी होती है कि और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो इनको भी बहुत ये समझिए कि ये इन देश आप जब ये समझिए कि जब आप मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाते हैं, तो आप उन लोगों को 1 की बजाय 10 रुपए देते हैं जो देश के दुश्मनों का साथ देते हैं, और जो देश की बात करने वालों का साथ नहीं देते हैं, जो कश्मीर फाइल जैसी फिल्म नहीं लगाते हैं, और आतंकवादियों का महिमा मंडन करने वाली फिल्मों को उनको जगह देते हैं। और ये 10-15 घराने पूरे देश के मल्टीप्लेक्स के मालिक बन गए हैं। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, NIA से इनकी जांच करानी चाहिए कि इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं तो कहता हूं कि सर आप अपने इस वीडियो को, आप भी क्योंकि आपके फेसबुक पे आपके बहुत जबरदस्त फॉलोअर्स हैं, ये जो हिस्सा आपने कही है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं व्यूअर्स से कहूंगा कि सतीश जी ने जो बात कही है मल्टीप्लेक्स सिस्टम को, इस पे अभी तक किसी ने चर्चा नहीं किया। क्या ये देश के विरुद्ध साजिश है? क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं चाहता था कि मेरी जितनी हैसियत है उस आधार पर मैंने छोटे शहरों में कि सिनेमा हॉल में जब कश्मीर फाइल्स दिखाने के लिए यूथ को, चूंकि कॉलेज के जो बच्चे होते हैं खासकर छोटे शहरों में उनके पॉकेट खर्च नहीं होते, तो मैंने ये प्रयास किया था। तो पता चला कि मेरे होम टाउन में मुजफ्फरपुर में और बेगूसराय जहां मेरा बचपन बीता, इन दोनों शहरों में सिनेमा पे हॉल में फिल्म लगी ही नहीं थी कश्मीर फाइल्स, जबकि सोशल मीडिया पर इसकी जबरदस्त मांग हो रही थी। आपने बहुत बड़ी बात कही है सर कि क्या ये देश के दुश्मनों का एजेंडा है, क्या मल्टीप्लेक्स जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो ये विरोध कितना आसान है सर, हमें इसमें कुछ ले, हमें अपनी तरफ से कुछ देना नहीं पड़ रहा है। आप जब आप हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे के साथ आप जाते हैं यदि, तो कम से कम आप 2,000 रुपए खर्च करते हैं मल्टीप्लेक्स में, और यह बर्बाद करते हैं। आप रिक्शा वाले को 10 रुपए देने में आप बहस करते हैं उससे कि हम 8 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। सब्जी में आप सब्जी वालों के साथ चिरौड़ी करते हैं कि धनिया और मिर्ची मुफ्त में दे दो। लेकिन ये मिडिल फैमिली की आदत होती है कि धनिया और मिर्ची हमें मुफ्त में दे दो, लेकिन इस मल्टीप्लेक्स एंटी नेशनल इस गैंग के लिए आप 2,000 रुपए खर्च कर देते हैं। इसलिए ये विरोध करके आप कुछ ऐसा नहीं करें कि आपका कुछ जा रहा है, आप अपना बचा रहे हैं। ये जरूरी है कि कम से कम, यदि मुझे लगता है 1 से 1.5 महीना ये माहौल यदि चल गया तो इनकी रीढ़ टूट जाएगी सर। नहीं मनीष जी, भारत सरकार को सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक कानून बनाना चाहिए, और मैं उत्तर प्रदेश के बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि एक कानून आप बनाइए। मनीष जी को तरीका कि एक 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 शहर में 20-20, 25-25 स्क्रीन पे एक ही फिल्म चल रही है, एक बना दे कि किसी एक शहर में 4 या 5 स्क्रीन से ज्यादा एक फिल्म नहीं चलेगी, ये अपनी औकात में आ जाएंगे। ये एक एजेंडे के तहत ये पता चला पूरे शहर में एक ही फिल्म चल रही है, एक ही फिल्म, 10 मल्टीप्लेक्स है उनमें 4-4 स्क्रीन है, 25-30 स्क्रीन पे एक ही फिल्म चल रही है, हमको हमारी मजबूरी है कि हम उसमें जाएं। तो ये नियम बनना चाहिए, और इसमें हम लोग फिर प्रोग्राम करेंगे मनीष जी अलग से, कि सूचना प्रसारण मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये नियम बने, अन्यथा आप एक बहुत बड़ा सारे किए इस सरकार के किए धरे पर पानी फिर जाएगा। ये देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली फिल्में पूरे शहर में छाई रहेंगी, कश्मीर फाइल ऐसी फिल्में नहीं दिखाई जाएंगी। तो ये नियम बनाएं कि एक शहर में स्क्रीन पर है तो 5-5 से ज्यादा स्क्रीन पे एक फिल्म नहीं चलेगी। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है कि पहली बार मल्टीप्लेक्स के एंगल से आपने कहा। कुछ व्यूअर्स लिख रहे हैं कि सर 100-100 रुपए तो पार्किंग के लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप इस तरह के मल्टीप्लेक्स में आप कार पार्किंग करते हैं 100 रुपए तो, खास करके फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये 3 दिन तो हर मॉल में आपको दोगुना हो जाता है करीब करीब जो है पार्किंग का चार्ज। तो ये तमाम चीजें की पूरा सिस्टम है जो आपको, आप ही को नोच करके, आप ही के देश और आप ही के सनातन संस्कृति के खिलाफ ये षड्यंत्र है। और बॉलीवुड क्यों इस तरह का है, और जो चीज आप एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कि यदि इनका विरोध होगा तो
तो तय सी बात है कि ये सिगरेट गुटखा और तमाम चीजों के एड में जो करोड़ों की कमाई करते हैं, इन सबको फिल्मों में बहुत कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये एड से जो ये मोटी कमाई करते हैं उससे भी रीढ़ टूटेगी। और मरीज जी, दर्शकों को बता दूं कि एक आदमी ने उदाहरण पेश किया है और उसकी बहुत, उसको लोग बड़ी बुराई करते हैं, राज ठाकरे ने, उसने बंबई में इन मल्टीप्लेक्स के नाद में दम कर दिया अपनी छोटी सी से पार्टी लेके, और इनको मजबूर होकर उसने कहा कि आपको प्राइम टाइम में एक शो मराठी फिल्म दिखानी पड़ेगी, तो सारे मल्टीप्लेक्स प्राइम टाइम में मराठी फिल्म दिखाते हैं। और दूसरा उसने मनीष जी कहा था कि तुम जो 150 रुपए का बिस्कुट और पैटीज बेचते हो ये तुम बेचो, लेकिन हमारे यहाँ जो आदमी अगर अपने घर से कुछ ले जाना चाहे, अपने साथ ले जाना चाहे, तो उसको रोकोगे नहीं। मनीष जी वो भी मांग इनको माननी पड़ी, वहां पे बॉम्बे में आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और ये केवल राज ठाकरे को इसका श्रेय, राज ठाकरे ने वो लड़ाई लड़ी थी। मुझे लगता है कि ये काम योगी कर सकते हैं कि आप यदि सिनेमा हॉल में भी कुछ इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो मजबूर होते हैं, और मिडिल लोअर मिडिल फैमिली के साथ एक चलो सिनेमा हॉल की टिकट तो खरीद ले ये तो चल जाएगा, लेकिन ये लैया जो आप जो 10 रुपए की है वो यदि 200 रुपए को आपको खरीदना पड़ता है, तो जो बाप मेहनत से कमाता है उसे बहुत अखरता है ये कि 10 रुपए की लैया हम 200 रुपए में खरीद रहे हैं, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक्स हम 250 रुपए में खरीद रहे हैं। इससे तो लगता है कि पता नहीं ये किस तरह की लूट है ये पूरा सिस्टम, और इसीलिए इस तरह की फिल्में, किस तरह की फिल्में लगेगी, ये धंधा इस पे चल रहा है।